गाइस अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और आप सबकी तैयारियां अच्छी तरह से चल रही होंगी। खैर अभी तो एग्ज़ाम्स में भी टाइम है, डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, तो आस्ते आस्ते चलने की ज़रूरत है। और हमारे पास जो रीजनिंग के ना डिफरेंट सिलेबस में डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो जितना हो सके अगर ये भी आप सीख जाओगे, अगर आपके किसी पोस्ट में ये नहीं है लेकिन आप ये भी सीख जाओगे, तो रीजनिंग के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि आप सब रीजनिंग सीखते जाओ। उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है, सीखते जाओ सीखते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ये टॉपिक जब एक पोस्ट में ऐड हुआ तो आने वाली जितनी भी पोस्ट में इसमें ऐड हो ज़रूर होगा। यानी जो एक टॉपिक किसी एक सिलेबस में आ जाता है, किसी एक पोस्ट के लिए आ जाता है, वो डेफिनेटली कि फिर उसके बाद जितनी भी पोस्ट आती है उनमें ऐड होता जाता है और कंपटीशन बढ़ता जाता है और सिलेबस तो डे टू डे इंक्रीज़ भी हो जाएगा और डिफ़िकल्टी भी बनता जाएगा। जितना बेहतर होगा अगर आप पहले ही उसे सीखोगे तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है गाइस, गाइज देखो इधर ना आपको एक टेबल दिया जाता है। उस टेबल में क्या किया जाता है, उस टेबल में ना आपको देखो इसमें इधर से लेटर्स दिए हुए हैं, इधर से दिए हैं नंबर 01234 01234, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी है कि नहीं। वर्टिकल भी दिया आपको और हॉरिजेंटल भी दिया आपको। देखो ऐसे ही फिर उसने दूसरा टेबल दिया 56789 56789। अब देखो इसने दो टेबल आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिए। क्यों? हालांकि नंबरिंग तो मैच हो रही है 10 से 9 तक, 0 से 9 तक है कि नहीं, लेकिन इसने जानबूझकर दो टेबल दिए हैं ताकि आप इधर इधर नज़रें घुमाते रहो, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओ। अदरवाइज़ अगर ये एक ही टेबल में आता है हमारे पास थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन ईजिली बन जाता थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे लिए। लेकिन इसने दो टेबल बनाए हमारे लिए, एक तरीके से ये ईजी भी हो गए और एक तरीके से हमारे पास डिफ़िकल्ट भी हो गए। डिफ़िकल्ट भी क्या, लड़के दो टेबल देखकर थोड़े से दंग रह जाएंगे, चलो यार छोड़ो हमसे शायद नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। उसके बाद इसने क्या किया है, उसमें इसमें देखा क्या जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसमें देखना है कि मेरे पास, फिर कहेगा कोड बताओ किसी का भी, जैसे फार्म का कोड बताओ, फिर चार ऑप्शन दे देगा, फिर आपको कहेगा बताओ फार्म का कोड इनमें से कौन सा है। अब आपको क्या देखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं देखूँ कोई नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे देखना है ओ का नंबर, ओ कितने नंबर पर आ रहा है, ओ का कोड क्या बन रहा है, कहेगा पहले फॉर एग्ज़ाम्पल कोड फॉर ओ बताओ, है ना, बताओ कोड फॉर ओ, ऑल कोड्स फॉर ओ, हम निकालेंगे सब कोड्स ओ। क्यों निकालूंगा मैं सब कोड्स ओ के, ताकि आपको पता चल गया कि ओ के कोड्स कहाँ कहाँ से बनते हैं, है कि नहीं। यानी एक लेटर के इसमें एक कोड नहीं, बराबर देखो इसमें चार पांच कोड बनेंगे हर एक लेटर के, इधर भी बनेंगे जो इधर लेटर्स हैं हमारे पास इनके भी पांच पांच कोड्स बनेंगे। जब पांच पांच कोड्स बनेंगे तो हमारे पास ये नंबर जो कोड हमारे पास निकालना होगा वो मुश्किल हो जाएगा ना। देखिए उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ओ निकालना है, यहाँ पर देखो ओ कहाँ कहाँ पर है, ये ओ है, ये ओ है, दो ओ, तीन ओ, चार ओ, पाँच ओ, इधर ओ कहीं दिखाई दे रहा है नहीं, इधर नहीं है ओ। देखो पहले वाले में ओ कहाँ है, देखो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, रो से शुरू करते हैं, रो वाला नंबर लेते हैं, फिर ऊपर से देखते हैं वो किस कॉलम में आ रहा है। देखो रो में आ रहा है ओ टू में इधर, और कॉलम में इधर कैसे आ रहा है, ज़ीरो में, यानी एक कोड इसका 20 हो गया। दूसरा देखो ओ कहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ ज़ीरो पर आ रहा है, यहाँ वन पर आ रहा है, इसका मतलब दूसरा इसका 01 कोड आ रहा है, ठीक है। तीसरे वाले में देखो ओ कहाँ पर आ रहा है, थ्री, यानी पहले थ्री आएगा, फिर देखो ऊपर कहाँ से आएगा, ऊपर टू, यानी 32 और एक कोड बन गया। चौथे वाले में ओह कहाँ पर आ रहा है, वन में आ रहा है, ऊपर से थ्री में आ रहा है, यानी 13 भी ओह का कोड बनेगा। पांचवे वाले में ओह आ रहा है फोर, इधर आ रहा है फोर में, यानी 44 में आ, यानी इतने सारे कोड बन गए किसके, हमारे ओह के। इसी तरह एफ के भी बनेंगे इतने ही, और एम के भी, एस के भी, आर के भी, ए के भी, टी के भी, डी के भी, आई के भी, पी के भी, इतने हर एक ऐसे ही कोड बनेंगे। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ आया होगा, यहाँ तक तो बिल्कुल इजी था। अब मैं ये रब करने जा रहा हूँ। देखो अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो इसको आप सॉल्व करने में आपको इजी हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि जितने नंबर दिए होंगे ये नंबर्स लिमिटेड होते हैं, कितने लेटर ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 1 मिलाकर हो गया 10। यानी सिर्फ ये 10 नंबर्स 10 है ना, नंबर्स 10 है, नंबर्स 0 से 9 यानी इज इक्वल टू 10। लेटर्स भी डेफिनेटली फिर 10 होंगे, ये ए बी वाले है ना, ये भी 10 ही होंगे, 10 लेटर्स खाली, ये इसका रूल एक होता है, ये 10 ही होंगे। इससे आपको ईजिली हो जाएगा। अगर डिफरेंट लेटर्स होते ना, यानी अगर यहाँ ये लिखा है 1 2 3 4
चार चक्के, 5 बज 25, 5 बज 25, यानी 50, यानी अगर ऐसे 50 अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं ना, दो दो, फिर भी दो दो बार ही आ जाते, एक एक दो दो बार, यानी मान लिया अगर अल्फ़ाबेट हर एक 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 बार रिपीट होता है ना, तब आपको कोड इजीली फाइंड करना होता। लेकिन ये क्या कर रहा है यहाँ पर बंदा, ये डेफिनेटली जानबूझकर आपको सिर्फ 4-5 लेटर्स ही, अल्फ़ाबेट्स ही दे देता है, ताकि उससे आपको लेटर्स दे देता है, ताकि आपको उसको कोड निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और हर एक बंदे हर एक लेटर का कोड निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो ये देगा ऐसे, फिर कहेगा निकालो आंसर, ऐसे जैसे मैंने ये क्वेश्चन यहाँ ट्रांसपोर्ट किया है ना, ये कहेगा बताओ फार्म का कोड क्या है, फार्म का कोड पूछेगा। देखो मैंने इधर लिखा है फार्म, फिर कहेगा इसका फाइंड द कोड ऑफ फार्म, बताओ फार्म का कोड क्या है। अब आप कैसे करोगे इसे, ठीक है, ठीक है, आप ऐसे करोगे जी। अब ये देखो पहले 0 0 0 0 किससे मैच कर रहा है, 0, और इधर 0, हाँ सर एफ आ रहा है, ठीक है, फिर तो इधर भी आ रहा है कि नहीं, फिर तो इधर देखो 3 1 3 और 1, सर ये भी तो एफ आ रहा है, ये भी 31 एफ आ रहा है कि नहीं। अब कैसे करोगे, फिर नेक्स्ट पर आ जाओगे, 55, देखो 5 5, देखो 5 5 कहाँ आ रहा है, 5 5, हाँ ये ए आ रहा है हमारे पास, ठीक है, फिर 1 1, देखो 1 और 1, ये आर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, एफ ए आर, ठीक है ना, एफ ए आर आ गया। अब 1 3 देखो क्या आ रहा है, देखो 1 और ये को 3, ये आर आ रहा है, सॉरी ये आर आ रहा है, ये आ रहा है आर। लेकिन ऐसा नहीं करना होता है, देखो कुछ न कुछ इस कोड में आपको ना मुझे मिस एक्सप्लेनेशन हो गई। 11 13, देखो 0 0, 5 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 5 रिप्रेजेंट करता है ए, 1 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 और 1 आर को रिप्रेजेंट करता है, अच्छा 1 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 और 3, ये देखो 1 इधर है 3 इधर है, ये ओ को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये नहीं आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है एफ ए आर, ये आ रहा है 1 3 ओ को, देखो ये 1 है ना, ये 3 है, 1 और 3 में ओ आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। देखो जितना टाइम आपको इसको लग गया ना निकालने में, उतना इसमें उतना इसमें, लेकिन जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ उससे ना, जितना टाइम आपको इसमें लगा है, इसमें लगा ना, उससे कम टाइम लगेगा आपको पूरा आंसर निकालने में। देखो हमेशा बैक एंड से शुरू करो, बैक एंड से कोडिंग शुरू करो, हमेशा ऑलवेज रिमेम्बर स्टार्ट फ्रॉम बैक एंड, इधर से आ जाओ, यानी इस लेटर से आ जाओ, इस लेटर से आ जाओ और आंसर देखते जाओ, आंसर देखते जाओ, इस लेटर से आ जाओ, देखो इस लेटर से क्या होगा हमारे पास, इधर हर एक लेटर के ना तीन तीन कोड, चार चार कोड यहाँ मिलते होंगे, एक कोई ऐसा लेटर होगा जिसका इसने एक ही कोड दिया होगा इसमें, यानी बाकी सब कोड इसमें मैच नहीं होते होंगे, है कि नहीं, वही यूनिक कोड हमारा आंसर बन जाएगा। देखो मैंने आपको कहा बैक एंड से शुरू करो, देखो ज़रा बैक एंड से आ जाओ, हमने क्या देखना है, बैक लास्ट पर एम है, एम है ना लास्ट पर, या तो एम के सारे कोड निकालो, इसके नीचे लिखो, वो भी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, भूल जाओ। देखो हमने एम देखना है ना लास्ट पर, 1 3, देखो लास्ट पर क्या आता है, 1 और ये 3 ओ आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 2 3, देखो लास्ट पर क्या आ रहा है, ये 2 है और ये 3 आ रहा है, ये आर आ रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 6 9, देखो 6 और आ जाओ इसका 9, ये डी आ रहा है, ये हमारा आंसर नहीं आ रहा है। 3 3, देखो 3 और 3, ये एम आ रहा है, ये हमारा आंसर है, बाकी इधर ही टिक मारो, आंसर करो, टेंशन खत्म, ठीक है। देखो कितना इजी बन गया हमारे लिए ये, है कि नहीं। अब चाहे ये ऐसा भी हो सकता है, ये चारों चारों मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ये टिक होता है, ये भी चारों मिलते, हो सकता है यहाँ पर किसी लेटर का ये डिफरेंस आता हो, है कि इस लाइन में कोई लेटर जो है यूनिक मिलता हो, या इधर मिलता हो, या इधर मिलता हो, इधर तो एंड पर मिल गया। अब देखो पूरा इसको सॉल्व कर लेते हैं आप, ये हमने देखा 33 इधर एम आ रहा है, ठीक है, अब हमारे पास ये आंसर है ना, अब चाहे इधर से शुरू हो जाओ या इधर से शुरू हो जाओ, आपको आंसर मिल गया ना, आपको मिल जाएगा 3 1, देखो क्या आ रहा है, 3 और ये 1 है, ये सर एफ आ रहा है। अब 86 का ढूंढो और 4 ढूंढो, 8 6 8 और ये 6 ए आ रहा है सर, 0 4, ये 0 है, ये 4 है, ये आर आ गया सर, एफ ए आर एम, आंसर मिल गया, बिल्कुल ठीक है ना, इजी है ना,
उतना डिफिकल्ट तो नहीं था, ये बिल्कुल इजी है। इसमें मतलब ज़्यादातर कुछ मतलब दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं, बस एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया ना, ये इजीली आपके लिए हो जाता है। ठीक, देखो गाइस, ये बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है और इजी सा टॉपिक भी है, इसमें कोई डिफिकल्ट वो नहीं है। जब हम रिवर्स सीरीज के लाएंगे, जैसे मैंने बोला है, उसमें सिर्फ इसके हम हर एक जो भी हमारा टॉपिक है उसमें हर एक टॉपिक में ना बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और मेरी रीजनिंग की जो सीरीज चल रही है वो ओवरऑल चल रही है, यानी जितने भी वैकेंसी SSRB निकालनी है सब के लिए मैंने A to Z निकाला है। हर एक चीज़ में मैं ले आऊँगा रीजनिंग में, यानी कोई चीज़ छोड़ूंगा मैं नहीं। जिस भी पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी रीजनिंग यहाँ पर मिल जाएगी। हर एक, चाहे किसी में ज़्यादा सिलेबस है किसी में कम है, हर एक के लिए मिल जाएगी। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉप ये क्वेश्चन पर। सोप देखना है हमें, कोड फॉर सोप। अब मैंने आपको बता भी दिया था कोड फॉर सोप हम कैसे निकालें। देखो, कोड फॉर सोप जैसे मैंने आपको बोला है ना, पीछे से बैक एंड, स्टार्ट फ्रॉम द बैक एंड, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम बैक एंड, स्टार्ट फ्रॉम बैक ऑप्शन। लास्ट पर हमारे पास क्या आता है, पी। देखो इधर आ जाओ, सॉरी, पी पी पी, ये लास्ट पर पी है ना। देखो पी क्या 67 से एंड कौन होता है, 67। इधर आ जाओ, ये 6 है, ये 7 है, 67 क्या आ रहा है, ए आ रहा है सर, यानी ये यहाँ पर हमारा रिजेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा भी 67 है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। देखो ज़रा 59, इसमें आएगा 59, इधर नहीं है ना, इधर 4 आ गया, 5 और 9, सर इधर पी आ रहा है। देखो ये ऑप्शन बन रहा है हमारा, अभी 58 भी है, 5 8, 5 और 8, सर ये आई आ रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। हो गया, हमारा आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, अब पूरा निकाल के देखते हैं इसको। 41 4 और 1, एस आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा जी, 32 3 और 2, ओ आ रहा है सर। 86 क्या आ रहा है, ये देखो 8 और 6, ये सर ए आ रहा है, और ये तो हमारा आंसर पी वाला लास्ट में आया है, इसका मतलब ये हमारे पास आंसर है। यहाँ तक देखो ये बिल्कुल इजी था, इसके जब मैं और क्वेश्चंस लाऊंगा ना बहुत सारे, जब हम रिवर्स सीरीज करेंगे, क्योंकि पहले मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कंसेप्ट के, उसके बाद जब हम रिवर्स सीरीज लाएंगे उसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले आएंगे हर एक टॉपिक की। ठीक है गाइस,